वेलकम बैक टू कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोटैटो फ्राइज़। सबको पसंद आते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि क्या बेसिकली किस क्या मेथड है बनाने का। तो अगर आपने मेरा चैनल चेक किया हो तो मैंने पहले एक फ्राइज़ डाले हुए थे जो थे स्वीट पोटैटो वेजेस, आप या फ्राइज़ कह लो या वेजेस कह लो, दैट वॉज ओवन बेक्ड। आज हम बनाएंगे इसको फ्राई करके। पर्सनली टू बी हॉनेस्ट, इफ आई से तो ये जो हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बट येस कभी कभार हमको मन करता है कुछ खाने का, कुछ अटपटा खाने का, कुछ बाहर का खाने का। तो मैकडी हुआ, डोमिनोज हुआ, जो भी इस तरह के शॉप हैं बहुत फेमस हैं, ठीक है, तो हम वहाँ जाते हैं खाते हैं। तो अगर हम वहाँ जा करके फ्राइज़ खाते हैं और अगर वही सेम टेस्ट आपको घर पर मिल जाए, आपको घर पर बना हुआ मिल जाए, तो वो फार फार बेटर है बाहर के खाने से। तो मैं बस वही ट्राई करती हूँ कि जब कभी भी मन करे और अगर आप बना सकते हैं तो क्यों ना उसको हम घर पर ही बना करके खाएं, क्योंकि बाहर का इतना हेल्दी नहीं होता। क्योंकि घर का आपको पता है आप कैसा सामान यूज़ कर रहे हैं, क्या आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो उसको ओवन में बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। पर आज मैं इसको फ्राई बनाने वाली हूँ। तो मैंने फ्राइज़ बनाने के लिए, पोटैटो फ्राइज़ के लिए, ये नॉर्मल आलू लिया हुआ है, रेड पोटैटो यूज़ कर रही हूँ मैं, आप कोई भी ले सकते हैं। पील कर लें अच्छे से और जहाँ भी लगता है कि इसमें निशान वगैरह है तो उसको साफ़ कर लें और इसको धो लें अच्छे तरीके से। फ्राइज़ में आपने देखा होगा जब भी आप मैकडी में फ्राइज़ खाते हैं तो बहुत क्रंच होते हैं ऊपर से वो, ठीक है, और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप नहीं देखेंगे कि कुरकुरा है तो पूरा ही कुरकुरा होगा, नहीं, अंदर सॉफ्ट ऊपर क्रंच होता है उनके, वो क्यों होता है? तो उसका एक तरीका है, पहले हमने जो पोटैटो है उनको डिप करके रखना है पानी में, एक टेबल स्पून शुगर डाल करके। जो पानी लें ठंडा लें, ठंडा पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो आइस क्यूब्स डाल लें। उसके बाद आप जो पोटैटो हैं उसके फ्राइज़ कट कर लें। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे कट कर लें, हाथ से कट करना है तो जैसे मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से कर लें, जैसा भी आपने शेप खाना है, शेप पसंद है आपको, आप उस तरीके का कट कर लें। और ये जो पानी हमने तैयार किया है शुगर का, इसमें हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे। धुला हुआ आलू है तो हमको इसको दोबारा अभी वॉश नहीं करना है, नॉर्मल डिप करके छोड़ दें मिक्स करके। आलू में जो स्टार्च होता है वो भी निकल जाएगा और दूसरा जो शुगर हमने जो मिक्स किया है वो आलू को क्रंची बनाने में मदद करता है। तो इसको 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही डिप छोड़ दें, उसके बाद हम इसको धोएंगे। तो इट्स बीन 30 मिनट्स और इसको अब हमने धो लेना है, पानी चेंज करके एक बार ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से हम इसको धो लेंगे, जिससे अगर इसमें कहीं पर भी शुगर का क्रिस्टल है तो वो निकल जाएगा। तो इसको धो लें अच्छे तरीके से, फिर इसको हमने टॉवल ड्राई करना है। तो आप क्या करें, इसको पहले तो अच्छे तरीके से पानी निकाल दें उसका छलनी में लेकर के, फिर एक टॉवल पर लेकर के इसको फैला दें और ऊपर से दूसरा किचन टॉवल लेकर के, अगर जो किचन टॉवल यूज़ कर रहे हैं वो पतला है तो आप उसकी दो तीन लेयर ले लें और इसको अच्छी तरीके से पोंछें जब तक इसमें से पूरा का पानी सूख ना जाए। तो बस यही हमने ध्यान रखना है, दो तीन बातों का, शक्कर के पानी में डिप करना है, धोने के बाद पूरा सुखा देना है। तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है, इसका जो स्टार्च था वो निकल गया है। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें हम ऑयल ट्रांसफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, आलू जितना डिप हो जाए उतना ऑयल इसमें लेना है। ऑयल हमने बहुत ओवर हीट नहीं करना है, जितना धुआं निकलता है उस जैसा ऑयल हीट नहीं करना है हमने। तो हल्का सा जैसे ही आपको लगे, आप आलू डिप करके देखेंगे, अगर लगता है कि वो झाग आने लगे हैं तो सारे आलू उसमें डाल दें। और हमें इसको स्टार्टिंग में 2-3 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्राई करना है। जी, इस बात का भी ध्यान रखना है, इसको एक बार में फ्राई नहीं करना है, पहले हमें 2-3 मिनट्स के लिए करना है सिर्फ। और जैसे आपको लगे, आप जब उसको टच करके देखें किसी चम्मच से या फोर्क से, तो आलू जब तक सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हमने इसको करना है। अगर हम एक ही बार में पूरा का पूरा फ्राई कर देंगे आलू को तो दिखने में सुंदर लगेगा बट जो क्रंच है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 मिनट हो गए हैं, अभी आप चाहें तो नाइफ से काट करके देखेंगे, जब आप देखेंगे स्मूथली आलू कट जा रहा है, जैसा कच्चा आलू कटता है वैसा नहीं है बिल्कुल भी, इट मीन्स ये पक गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस ऑफ कर दें और इसको बाहर निकाल लें टॉवल पर। और अब हमें करना है इसको ठंडा। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो सेकेंड टाइम जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो क्रंच है वो जो पोटैटो फ्राइज़ जो होंगे वो बहुत क्रंची बनेंगे। तो इसको बाहर निकाल लें। आपने देखा होगा मैकिन्स वगैरह के जो भी फ्राइज़ आते हैं वो फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं, हाफ वो कुक्ड होते हैं, बाकी आपने करने होते हैं। आप चाहें तो अभी इन पोटैटोज़ को
फ्रीज कर सकते हैं, ठंडा होने के लिए रख दें पहले फ्रीज़र में या बाहर, उसके बाद आप इसको एयर टाइट उसमें पैक करके रख दें, ठीक है। तो अभी ये पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, अंदर तक पक गया है आलू। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे एक घंटे के लिए, या फिर फ्रीज़र में रख दें। जब आप निकालेंगे, ऑयल को दोबारा गर्म करें और इसको फ्राई करने के लिए रख दें। इस स्टेज पर इफ़ यू हैव अवन, आप चाहें तो इसको अभी भी अवन में रख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, बट मैं यहाँ इसको कढ़ाई में ही कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास कढ़ाई होती है, ऑयल होता है, ज़रूरी नहीं सबके पास अवन हो, ठीक है। और किसी किसी को ऑयली पसंद भी होता है। तो जब आप देखेंगे ये 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेगा और ये कलर इसका गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब देखेंगे क्रंच, जब इस पर स्पून वगैरह लगा करके देखेंगे तो आप को फील होगा कि ऊपर से वो बहुत कड़ा हो गया है, कुरकुरा हो गया है। और आप विश्वास मानिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये जो मैगडी वाला जो होता है फ्राइज उसी तरीके का है। तो ये बस हमें इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए दोबारा से करना है क्योंकि पक ये ऑलरेडी गया था, बस हमने इसका जो कलर है और जो क्रंच है वो रेडी करना था। तो हो गया है, इसको बाहर निकाल लें टॉवल पर और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए टॉवल पर ही रखे छोड़ दें, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो दूर हो जाए, वो सोक कर ले टॉवल। और रेडी है फ्राइज। अब हम क्या करेंगे, 30 से 40 सेकंड के बाद इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और इसमें जो भी आपको मसाले मिलाने हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक नमक ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो हर्ब्स या फिर चिली फ्लेक्स वगैरह जैसे आपको पसंद है आप इसमें मिक्स कर लें और इसको हल्के हाथों से हिला लें। आप देखेंगे बहुत ही कुरकुरा तरीके का फ्राइज बना है, बहुत अच्छा बना है। तो आई वुड सजेस्ट यू, बाहर खाने से फार बेटर है कि आप इसको घर पर ही बना करके खाएँ, बच्चों को दें। मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बट या अगर वो मांगते हैं तो घर का दें बहुत अच्छा है। तो जस्ट डू लेट मी नो इफ़ यू एंजॉयड द रेसिपी एंड यस, शेयर योर फीडबैक, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी ईटिंग, बाय बाय।